एजुकेशन एकेडमी के करंट अफेयर्स एंड न्यूज डेस्क प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले एक से दो दिनों में न्यूज के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है उसको हम इसमें जो है कवर करेंगे, जिससे परीक्षा के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह यहां से आप लोगों के लिए कवर हो सके। तो जैसा कि पूर्व में ट्रेंड है, हम लोग पहले पिछले एक दो दिनों में जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसको इसमें शामिल करते हैं, तत्पश्चात महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित करते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम लोग दो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो 15 और 16 सितंबर की जो रही हैं उसको देखेंगे। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में जो 15 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और 16 सितंबर जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी यहां से जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ये ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली बार जो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1987 ईस्वी में, इसी के कारण से 16 सितंबर को ये आयोजन होने के कारण से 16 सितंबर को ही जो ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इसका नाम ही था जो मॉन्ट्रियल में जो है आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक जो है शहर है, तो मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी जो थीम थी, जो इसका एक जो ध्येय वाक्य था, ये वही था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। और ये 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये ओजोन दिवस को 16 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत एक महत्वपूर्ण परत है जो सूर्य की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और शरीर को जो विभिन्न प्रकार के जो है त्वचा और कैंसर रोगों से जो है बचाती है। ओजोन को मापने के लिए जो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन। डाप्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जो है तिथियां जिसके बारे में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसी के साथ जो है कुछ खेल के जगत में जो हम लोग देखेंगे कि ग्रैंड स्लैम का जो अंतिम जो है खेल होता है वो अमेरिका में होता है, जिसे यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एकल महिला पुरस्कार ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें इसको हम शामिल कर रहे हैं। एकल महिला का पुरस्कार जो है एम्मा राडुकानू, एम्मा राडुकानू को जो है प्राप्त हुआ है। एकल महिला यानी कि सिंगल वुमेन का जो है पुरस्कार वो एम्मा राडुकानू को प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि एकल पुरुष और एकल महिला से संबंधित जो भी विजेता होता है उससे संबंधित सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। तो चार महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच विंबलडन, योम जो है यूएस ओपन है, तो इससे जानकारी आपको जो करना आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह को जो है बनाया गया है, रणधीर सिंह को जो है एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये खेल से संबंधित है और अभी हाल में ही जो ओलंपिक खेल संपन्न हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक खेलों का जो है कार्यकारी जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है ये तिथियों से संबंधित है और ये जो है आपके जो है खेल से संबंधित जो था। अभी कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पिछले एक से दो दिनों में जो घटित हुई, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसको जानकारी में रखना आवश्यक है, उसे मैं इसमें जो है सम्मिलित करूंगा। एक है ग्रीन वीजा का कॉन्सेप्ट, ग्रीन वीजा जो है ये यूएई के द्वारा जारी किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ग्रीन वीजा जारी किया गया है। ग्रीन वीजा को जारी करने का उद्देश्य भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों के लिए जो भारत उसमें जो है आप्रवासी पहुंचते हैं, वहां पर जो है वो अपने ज्ञान से संबंधित सेवाएं देते हैं, निवेश करते हैं। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए यूएई के द्वारा ग्रीन वीजा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो भारत के ढेर सारे जो है विभिन्न कौशलों में जो है संपन्न व्यक्ति वहां पर जो है सेवाओं के लिए जाते हैं, वहां पर सर्विसेज प्राप्त करते हैं, तो
वह जो है ज्ञान आधारित लोगों को, जिनके पास जो है प्रौद्योगिकी क्षमता है से संपन्न लोगों को तथा विभिन्न निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये ग्रीन वीजा को जारी किया गया, किसके द्वारा? यूए के। तो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, ग्रीन वीजा किसने जारी किया, यूए, और किसके लिए, यानी कि जो प्रौद्योगिकी क्षमता से संपन्न व्यक्ति एवं निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे जो है जारी किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए जो है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों की जो सूची शॉर्टलिस्ट की गई है उसमें महत्वपूर्ण है भारत के लिए जो उपलब्धि का विषय है कि दो लोगों को भारत की तरफ से इसमें सम्मिलित किया गया है। सत्यम मिश्रा, नाम इनका क्या है, सत्यम मिश्रा योम मेघना मसूरी, सत्यम मिश्रा योम मेघना जो है मशनूरी को इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। तो ये भारत के लिए जो है एक उपलब्धि का विषय है कि भारत की जो है ज्ञान एवं क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है, उसको चिन्हित किया जा रहा है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 50 के लिए जो है 50 शिक्षकों की सूची में जो इनको जो है सम्मिलित किया गया है। और दूसरी तरफ जो है सुपर थर्टी के आनंद कुमार को जो ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आनंद कुमार को सुपर थर्टी के जो ये संचालक है आनंद कुमार, जो कि इंजीनियरिंग से संबंधित बच्चों की तैयारी करवाते हैं, और इनके द्वारा तैयारी करवाने के लिए जो भी स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं वो निश्चित तौर पर 100% उनकी जो सफलता सुनिश्चित होती है IIT और AITEE के लिए जो है। तो उनके इस शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए ब्रह्मानंद जो है पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है, और इनका नाम है आनंद कुमार। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है ये भी हाल में जो चर्चा में रहा। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है, IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक माध्यम है जिसके द्वारा भाषा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री को अपनी इच्छित भाषा में जो है अनुवाद किया जा सकता है। इसकी सुविधा कौन देता है, प्रोजेक्ट उड़ान। तो ये IIT बॉम्बे के नाम क्या है, प्रोजेक्ट उड़ान, काम किसने बनाया, IIT मुंबई ने, और किस काम के लिए आता है, भाषा के अनुवाद के लिए, कि आप किसी भी इच्छित भाषा में जो है कंटेंट को अनुवाद कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो प्रोजेक्ट उड़ान है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है, तकनीक से संबंधित है और पढ़ाई से संबंधित विषयों को आसान करने से संबंधित, और निश्चित तौर पर परीक्षा में ये सवाल भी जो है पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जो है जान लेना आवश्यक है। बाजरा मिशन, अभी हाल में ही जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ, कृषि से संबंधित है, महत्वपूर्ण है बाजरा मिशन जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो अभी हाल में ही जो शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को बाजरा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने से है। बाजरा एक महत्वपूर्ण जो भारत का जो मोटे अनाज की श्रेणी में जो है आने वाला जो फसल है। तो बाजरा मिशन के रूप में जो छत्तीसगढ़ ने जो बाजरा मिशन को जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में जो लॉन्च किया है। अगला महत्वपूर्ण जो चीज है वो हम तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी हाल में विभिन्न नौकरियों में जो महिलाओं का जो प्रतिशत है उसे 30 से बढ़ा करके जो 40% कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जो है सूचना है जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस तरीके का पहल किया गया है कि महिलाओं के जैसे संवेदनशील वर्ग जो कि कमिटेड होकर के काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनकी रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, जो कि पूर्व में 30% था और अब बढ़ा करके जो 40% कर दिया गया है। एक अगला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये पुरस्कार से संबंधित है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। कीर्ति राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, यह पुरस्कार अभी हाल में राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड के द्वारा भाषा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है।
ये थी जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो पिछले एक से दो दिनों में जो घटी है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी परीक्षा की तैयारी के लिए जब आप अपने कंटेंट का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के संपूर्ण भाग की तैयारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल कंटेंट करंट ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो भी मैगजीन्स हैं उसमें आपको ये खोजना है कि हमें परीक्षा के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज जो है करंट अफेयर्स की चलाई जा रही है, जिससे आपको एक समझ विकसित हो सके कि हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किन जो है विषयों और घटनाओं को जो है समझना, देखना और पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समझ जो है करंट में हो जाए और आपके परंपरागत सब्जेक्ट जो कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी ना हो सके। तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले जो भी एक से दो दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको हम इसमें संकलित करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में करंट अफेयर्स की कुछ इतनी ही महत्वपूर्ण घटनाएँ थी। पुनः अगले लेक्चर में एक नए कुछ कलेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।